हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज कल की न्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आप सभी लोगों ने देखा ही है कि एक 2 दिन का बच्चा एक 20 फुट का बोरवेल में गिरा था। उसका हाल कैसा है, क्या है, आपको तो पता ही है। मैं अपने अंदर की बात बोलना चाहती हूँ। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ कि क्या बताऊँ। मैं एक 2 दिन का बच्चा, वो बच्चा है भाई, कोई खिलौना नहीं है। आपने पैदा कर लिया और उससे छुटकारा पाने के लिए फेंक दिया। वो बच्चा है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। कौन हो आप उसे फेंकने वाले? किसी अनाथालय में छोड़ देते भाई। लोग हैं अडॉप्ट करने के लिए, उसे जिंदा देखना चाहते हैं लोग। आप कौन हो उसे फेंकने वाले? क्या समझकर उसे फेंक दिया आपने? मैंने ये न्यूज 7 बजे, शाम को 7 बजे देखा था, तो 7 बजे से रात 10 बजे तक मैंने सिर्फ न्यूज ही देख रही हूँ। क्या कि मुझे इस बच्चे के बारे में जानना था कि वो सही सलामत है या उसका कुछ हुआ है। तो मुझे भगवान के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा हुआ। मैंने एक दिया भी लगाया था कि वो बच्चा सही सलामत निकल जाए उस बोरवेल से। भगवान उसका भला करे, वो अच्छे से रेस्क्यू हो जाए। सच में वो जिस जो भी थे रेस्क्यू करने वाले डॉक्टर, सभी को मेरा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपकी वजह से वो बच्चा जिंदा बच पाया, वरना क्या हालत होता पता नहीं। जिसने भी सुना उसको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप सभी लोगों की वजह से वो बच्चा जिंदा बच पाया। मेरा पहला सवाल, आप उस बच्चे को क्या समझकर फेंक लिया? वो क्या था आपके लिए? वो भाई बच्चा है, एक मासूम सा, 2 दिन, 1 दिन का बच्चा है भाई। वो कोई गुड़िया नहीं, आपने खेला और उसको फेंक दिया। आप पहले सोचो, बच्चे के बारे में सोचो, बच्चा क्या है? भगवान का दिया हुआ आपके लिए एक तोहफा है, आपका जिंदगी है। वो आपने संभालेगी तो कौन संभालेगा उसे? जब मैंने उसका रोना सुना ना, मेरे तो रूई कांप गए थे। उस वक्त ना मैं रोटी बना रही थी। मैं जब उसका रोना सुना, सच में मेरे आंखों से आंसू आ गए और मैं भगवान को हाथ ऊपर कर लिया और बोला कि भगवान उसको किसी भी हाल में बचा लो, वो बच्चा बचना चाहिए। जब उसे बचाया गया, आप देखिए ये वीडियो देखिए क्या था उस समय। सभी लोगों ने माता रानी का नाम लिया, माँ समलेश्वरी का नाम लिया और कहा धन्यवाद। आप एक बार उस वीडियो को देखिए। চিত্র দেখুন যা ভিজিবল হচ্ছে ভিতরে যখন রয়েছে টানেল ভিতরে এবং প্রথম চিত্র ও টিভি রে এক্সক্লুসিভ দেখুন আপনারা স্পষ্ট ভিজিবল হচ্ছে প্রমিনেন্টলি ভিজিবল হচ্ছে পুরো পথ দেখুন যাকে অপেক্ষা করা হয়েছিল যে প্রতিকৃত মুহূর্তকে অপেক্ষা করা হয়েছিল সমস্ত শিশুটি জীবিত অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় আসিছে এবং তাহা পূজা পূর্ব মু দেখুতলি যে পাত্র তাকে আনিবা কথা সেই যে ট্রেনে তাকে রখা যাইছি পুরা নবজাতক যাহা কহুছে ডক্টর বহুত দিন পর দিদিন দিদিন ছুটুয়া নবজাতক হব এবং এই চিত্র আমি বাহার করছি বোধ হয় দিনে
देखा दु दिन नवजातक जहाँ चित्र प्रदर्शन स्पष्ट विद्युत स्पष्ट देखा जाऊँगी नवजातक घोड़े दि जाऊ स्वतंत्र ट्रेन टी व्यवस्था कराइला रखा खुब देखा ना कैसा वो बच्चा उस बोरवेल से निकला है। सच्ची में भगवान होते हैं। माता रानी ने उसको पकड़ कर रखा था। सच्ची में वो जो बोतल गिरा था उस बोतल की वजह से वो 13 फुट में जो अटक कर रह गया था वही था माता रानी का हाथ जिसके वजह से वो बच्चा बच गया। सच्ची में माता रानी को कोटि कोटि प्रणाम। उस बच्चे को बचा लिया माता रानी ने। मैं भी एक माँ हूँ। 2 दिन का बच्चा क्या होता है, 1 दिन जन्म हुआ बच्चा क्या होता है मुझे पता है। प्लीज 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 आप ऐसा बच्चों के साथ मत कीजिए। वो छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर जीवन है, प्राण है उसके अंदर। लड्डू गोपाल आपने देखा है, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल जैसा होते हैं वही उसी तरह वो बच्चा होता है। पूरी भगवान सारी 33 कोटि देवा देवी उसके अंदर समाया होते हैं। उसको मारा मतलब भगवान को मारा। और भगवान को त्याग करना मतलब अपनी जिंदगी को त्याग करना होता है। बच्चों को त्याग मत करो। बच्चा बड़ा होकर आपको क्या करेगा वो आप वो उसके ऊपर निर्भर है। आप आपका कर्तव्य करो। जो भी गलत काम कर रहे हो वो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचो, अपनी माता पिता के बारे में सोचो। ठीक है अगर लड़की हुई तो क्या हुआ, वो लड़की है, वो माता रानी का अवतार है। आप भी तो एक लड़की हो ना, जन्म देने वाली माँ हो, तो एक लड़की को फेंक दिया आपने। उसको पढ़ाओ लिखाओ वो आपको पालेगा। जिस तरह लड़का होकर वंश का रक्षा करता है उसी तरह लड़की भी करेगी। लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं। लड़की होना कोई पाप नहीं, पुण्य होता है लड़की होना। आप इस तरह मतभेद मत रखिए लड़का और लड़की में। अगर बच्चा इतने सारे हो गए ये बच्चा हमें नहीं चाहिए फेंक देते, फेंकिए मत। ऐसी कोई परिवार ढूंढिए जिसके पास कोई बच्चा ना हो उसे दे दीजिए, वो खुशी से रखेगा। अच्छे वाला परिवार ढूंढिए उसे दे दीजिए, वो रखेंगे उस बच्चे के बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। नहीं तो अनाथ आश्रम है, अनाथालय है, पूरी गवर्नमेंट उसके लिए तैयार रहता है कि जो भी बच्चा हमें मिलेगा हम उसकी पूरी ख्याल रखेंगे, रख रहे हैं भी। तो ऐसा मत कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरे घर वालों को भी रिक्वेस्ट है आप सभी से, बच्चों के साथ कोई इस तरह से भाव मत रखिए। वो बच्चा है, एक माँ चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, सोच कर देखिए। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं कि वो बच्चा बच गया। भगवान करे उसको सही सलामत रखे। जो भी उसको एडप्ट करेगा वो उसका भाग्य है, वो लक्ष्मी है, घर का लक्ष्मी है, माता रानी 33 कोटि देवा देवी का आशीर्वाद है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो बच्चा बच गया। वो आप हो कौन उसे मारने वाला,
कुछ भी नहीं हो आप, एक राक्षस हो आप, राक्षस, कोई इंसान नहीं है आपके अंदर। ऐसा मत कीजिए, किसी बच्चे के साथ ऐसा करने से पहले बार बार सोचिए, ऐसा मत कीजिए। मेरा वही निवेदन है आप सबके साथ, जो भी ऐसा करने जा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, एक माँ होने का फर्ज निभाइए। एक माँ होना क्या होता है एक माँ से जाकर पूछिए, फिर बाद में ये सब करना। और जो माँ बन नहीं सकता उससे भी जाकर पूछिए कि माँ नहीं बनने से उसको क्या हो रहा है, वो कितना सफर कर रहा है कि मेरे पास एक बच्चा नहीं है, वो बच्चे के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, वो कितना भाग रहा है, कितने भगवान के पास वो दिया जला रहा है कि मुझे एक बच्चा दे दो। और जो माँ बन रहा है ना, उसकी खुशी तो आर के पार है, वो खुशी जिंदगी की सबसे बड़ा खुशी होता है। आप एक बार सोच कर ये सारे कर्म कीजिए, जो भी कर्म करना चाहते हैं सोच विचार करके कीजिए। बस आज बस इतना है, धन्यवाद।